अतीक और उसके भाई को मेडिकल कॉलेज ले जाते हुए उनका कत्ल हुआ, तीन लड़कों ने मार दिया, उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था कैसी है, कितनी पुख्ता कानूनी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट है। पहले प्रयागराज के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, और अब ये जो कुछ हुआ है इसको भी पूरे प्रदेश ने देखा है। अतीक तो बार बार कहता था कि वो यूपी जाएगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, तो ये बात तो सच साबित हो गई। और इस वक्त जब सारी पुलिस उसको घेरे हुए है, वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि एक फिट डेढ़ फिट के फासले से वो लड़का आके पिस्तौल से गोली मारता है सर में, ये कैसे मुमकिन है? इसमें मुझे बड़ी साजिश की बू नजर आती है। ये इतना आसान नहीं है कि तीन लड़के आए और कत्ल करके चले गए। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ज्यूडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि इन हालात के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था ठीक रख सकते हैं। ज्यादा बेहतर है कि उनको इस्तीफा दे देना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।